हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल झटपट होम फूड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं सेम की फली और आलू। यह हमने 2 स्मॉल साइज़ की प्याज ली है, कट कर ली है, 2 पिंच ऑफ ज़ीरा लिया है, 4 टमाटर लिए हैं हमने, इसको हमने ऐसे कट कर लिया है, 1/2 इंच ऑफ अदरक ली है एंड 2 टीस्पून ऑफ पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ऑफ पिसे हुए लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी एंड 3 हरी मिर्चें हमने कट कर ली हैं। अब हम चलते हैं बनाने की तरफ। ये हमारे पास सेम की फली थी 1/2 किलो, इसको हमने कट कर लिया है। ये हमारे पास 2 आलू थे, इसको हमने ऐसे छोटे 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 उसमें कट कर लिया है, देख सकते हैं आप। अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं 1 कप ऑफ ऑयल, देन वी हैव एडेड प्याज, ये जब हल्की सी हो जाएगी ब्राउन, बिल्कुल हल्की सी, फिर हम इसके अंदर अपने मसाले ऐड करेंगे। ये होने वाली है वैसे तो हल्की सी, मेरे से बहुत से लोग वेजिटेरियन होते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत मज़ेदार डिश होगी, ज़रूर ट्राई करना आप लोग प्लीज व्यूअर। ये देखें, ये हो गई है हल्की सी पिंसी। आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी तो करें भाई, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मुझे। चले जब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं लहसुन 1 टेबल स्पून, देन वी हैव एडेड अपने मसाले सारे ऐड करेंगे इसके अंदर। ये देखिए जी, हमने मसाले ऐड कर दिए हैं। अब हमें अपने टमाटर को बनाने हैं, जब ये गल जाएंगे फिर हम इसके अंदर जो है वो सेम की फली और आलू भी ऐड कर देंगे। अच्छा, अब हम इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा पानी ताकि हमारे टमाटर जो है वो गल जाएं और भुन जाएं। ये देखें जी, अब हम इसको, अच्छा जी, अब हम इसको जो है ना वो रख देते हैं ढक के, ताकि हमारे जो टमाटर है ना ये अच्छे से गल जाए, फिर भूनेंगे हम इसको, सही है। अच्छा जी, ये देखें हमारा मसाला जो है भून चुका है, टमाटर हमारे गल चुके हैं, इसको हमने भून लिया है अच्छे से। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू, देन अब हम इसमें चलाएंगे चम्मच, अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सेम की फलियां जो कि हमने वॉश कर ली थी। अब हम इसमें चलाएंगे चमचा, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छा जी, आप बिल्कुल मामूली सा पानी डालकर इसको रख दें दम पे रख दें इसको, ताकि हमारी फलियां और हमारे आलू जो हैं वो गल जाए। अब हम इसके अंदर करने जा रहे हैं हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट, अगर आप लोगों को कम लगे तो आप अपने जायके के मुताबिक इसमें और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको रख देंगे 1/2 फ्लेम पे, ढक्कन ढक के इसकी हमने फ्लेम कर देनी है लो, ताकि हमारी फलियां और आलू गल जाएं एंड फिर हम इसको सर्व करेंगे डिश के अंदर। टन। अच्छा जी, हम इसको जो है 5 to 10 मिनट्स के बाद चेक करेंगे कि हमारी सेम की फलियां और आलू गल गए हैं या नहीं।
ये देखें गाइस, हमारे आलू, हमारी सेम की फली जो है वो गल चुकी है और भुन भी चुकी है। अब हम इसके अंदर हरा धनिया और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड करेंगे, देन फिर हम इसको सर्व करेंगे डिश के अंदर। ये देखें जी, हमने इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दिया है और गरम मसाला भी ऊपर से छिड़क दिया है। देन अब हम इसको करने जा रहे हैं डिश में सर्व। ये देखें, हमारे पास मज़ेदार सी गर्मा गर्म सेम की फली एंड आलू है रेडी। आप लोग ज़रूर इस डिश को ट्राई करें, मुझे सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, कमेंट करें, एनी क्वायरी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे मेरी रेसिपीज़ को ऐसे ही देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।